मैं बिहार से 2011 में यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन प्रवेश किया था, ठीक है। उसके बाद ढाबा चालू कर दिए, उसके बाद धीरे 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 इसमें पूरा ढाबा में पानी लग गया बरसात के सीजन में। उसको जेसीबी से कादो कटवाना शुरू किए, उसके बाद पत्थर लगवाना चालू किए। उसके बाद 2012 में हमारे कॉलेज यूसीजी के कॉलेज लड़का लोग जब मेरे पास में आए थे तो 20 आदमी का बैठने का जगह था, तो बरसात के सीजन में आए तो बोले कहाँ बैठेंगे। उसका नाम था मंगलम, बेगूसराय का था, वो भी पढ़ने में नंबर वन था, लेकिन वो आता था पूरा ग्रुप के साथ। तो मोरे को बोला कि जे भाई हम लोग 50 आदमी आएंगे कहाँ बैठेंगे। मैं बोला कि 1 सप्ताह में केबिन बना देंगे, हॉल बना देंगे। तो वो जो हॉल जो आप लोग बैठते हैं वो हॉल उसी के 1 सप्ताह के अंदर में बना था। और सारे स्कूल के, कॉलेज के, मेडिकल के, यूनिवर्सिटी के लड़का लोग आना शुरू कर दिया। अंडा चटनी खाना, पनीर भरता शुरू कर दिया, दही और लस्सी। और गाय का जो चालू हुआ तो लोग देखे जो यहाँ दही भी अच्छा मिलता है, दूध भी अच्छा मिलता है, चाय भी अच्छा मिलता है, तो इसलिए लोग आना चालू कर दिया। जैसे ढाबा स्टार्ट हुआ है, हम लोग बचपन से देखते आते थे, मेरे पिताजी ढाबा ही करते थे 85, 87, 89 में। उनको 12-13 साल ढाबा किए, उसके बाद 93, 93 में ये हो गया। उसके बाद हम लोग बचपन से लाइन ढाबा में ही है। पूरा स्टार्टिंग से एक्चुअली हम लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग पहले मेरे दादाजी जो है वो हम लोग के कुछ रिलेटिव यहाँ से थे, तो हम लोग वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए। फिर मेरे दादाजी यहाँ पे आने के बाद मतलब बहुत सारा बिजनेस वगैरह ट्राई किए थे, तो तब यहाँ पे एक्चुअली इस लाइन पे पूरा बिल्कुल ढाबा में ऐसा समथिंग कुछ था ही नहीं, और मतलब ये लाइन ही पूरा क्लियर था। और हम लोग NH के पास ही रह रहे हैं, तो तब मेरे दादाजी सोचे एक्चुअली मतलब जैसे खाना पीना हम लोग कैसे हैं, तो पंजाबी स्टाइल में सब कुछ यही चल रहा है। तो उस टाइम से इस रोड के ऊपर NH में पहला ढाबा ये बनाया गया, तो मेरा दादाजी पहले स्टार्ट किया। उस टाइम मतलब नॉर्मल खाना वाना जो ट्रक व्रक लाइन चलता है, तो उस टाइम से हम लोग का है, तो इसलिए हम लोग का आज भी मतलब इतना टाइम चलने के बाद भी मतलब ट्रक वगैरह ये सब का हम लोग का रिलेशन बना हुआ है। तो आज नहीं तो भी कम से कम 40-50 साल से ये सब चल ही रहा है। तो देखिए मेरे यहाँ सब कुछ घर जैसा सब कुछ स्पेशल है। आप दही लो, दूध लो, पनीर लो, अंडा चटनी खाओ, सब्जी खाओ, आलू फूल गोभी के सब्जी खाओ, या ये गोभी चिल्ली खाओ, पनीर चिल्ली खाओ, घर लेखा बनेगा। ये स्पेशल नहीं है, हम स्पेशल खाने वाले के ऊपर निर्भर है। हमारे यहाँ अभी दही के शोले करके एक है, वो एक तो मतलब इंडो चाइनीज आइटम है, कुछ मिक्स है उसमें, तो वो एक तो यूनिक आइटम है, तो वो अच्छा चल रहा है अभी। और लास्टली हम देते हैं जैसा स्वीट में आइसक्रीम पकौड़ा करके, वो यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो चीज़ हम एक तो देते हैं। राइस स्पेशल और अफगानी कंदरी, तीन डो हमारा फेवरेट है यहाँ। बताए तो सब कॉलेज के लड़का है और प्लस गाड़ी वाले हैं, और प्लस मेरे आजू बाजू के जितने कस्टमर जिनको अच्छा लगता है, जब से वो भाई साहब आए जाए आलू फूल गोभी खाएंगे, कड़क रोटी खाएंगे, तो उनको मिल गया, तो उनको पता है कि कड़क रोटी आलू फूल गोभी मिलेगा, तो आ गए। मेनली हमारे पास अभी फिलहाल तो डॉक्टर्स आ रहे हैं और स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, फैमिली भी आ रही है, तो बस सर्विस और खाना अच्छा होना चाहिए सबको, जिसको पसंद आया हो तो आएगा ही, जो एक बार आ जाएगा वो हम लोग उसको दोबारा आने के लिए मजबूर करेंगे। बुरला संबलपुर, ये 11 साल से एक ही जगह चलाते हैं या फिर आप? नहीं, मेरा चॉइस के ऊपर है, नो उधारी नो ड्यूज, सामान देखो पैसा फेंको लेके चले आओ। एक्चुअली हम थोड़ा एक्चुअली पहले से कुछ लोग थे, पुराने लोग थे जो कुछ अच्छे चीज़ें देते थे, अब वो लोग हट चुके हैं वहाँ से, तो अभी मतलब हम टेस्ट करते रहते हैं कि कुछ कहाँ पे अच्छा चीज़ मिले, तो क्योंकि एक अच्छे खाने को अच्छा चीज़ से ही बनाया जा सकता है, तो इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कहाँ पे अच्छा, कहाँ पे कुछ मिल रहा है, उस हिसाब से हम यूज करते हैं, क्योंकि एक ही जगह से लाना हमेशा भी सही नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छे देंगे कुछ नहीं देंगे। पृथ्वीराजपुर से लाते हैं, हर क्वालिटी का ही सामान यूज करते हैं, जो मैंने क्वालिटी है उसका, एवरेस्ट का हुआ, यूज हुआ, मेरे स्टाफ पहले से बोलते हैं बिना क्वालिटी का हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्वालिटी होने से ही यूज करेंगे, बिल्कुल ये नहीं करेंगे, हल्का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, तो उनके हिसाब से हम होटल चलाते हैं।
देखिए हम बिहार में अंडा चटनी नहीं सुने थे, यहाँ अंडा चटनी हुआ, ये आया कहाँ से? इसी कॉलेज का लड़का, लोग बोले कि अंडा चटनी भी बनता है तो बना के किया गया। उसको रिसर्च किया गया कैसे है, कैसे किया गया, कितना मटेरियल है, कभी बोला कोई गड़बड़ है, कभी सोरे, उसको सुधारते सुधारते सुधर गया तो हो गया, वो एक सप्ताह में ये हो गया। उसके बाद सेव भाजी एक आइटम है जो इस एरिया में कहीं नहीं बनता है, वो मेरे यहाँ बनता है। पहले मैं लाइन में जब आया 99 में इस होटल का लाइन में आया, उस टाइम में हम लोग को थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ स्टाफ के चक्कर में, जो स्टाफ हमको अच्छा स्टाफ नहीं मिले, जो पुराने बैठे हैं वो भी अच्छा नहीं मिले, थोड़ा हमको मेहनत बहुत लगा। उसके बाद अच्छे अच्छे स्टाफ हम लोग के पास में आए, वो हम लोग को साथ बहुत दिए, आज उनके बदौलत में हम लोग स्टाफ के ऊपर में ही हम खड़े हैं। ऑल टोटल मतलब जितना ढाबा है टोटल हीराकुद से लेके यहाँ पे, मेरे पापा एक्चुअली प्रेसिडेंट है ऑल टोटल मतलब इसका, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उन्हीं को पहले बोला जाता है, तो इसीलिए हम लोग का जैसे कुछ भी यहाँ पे एरिया में प्रॉब्लम हुआ कि ढाबा में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, जैसे कुछ टाइम पहले कोई ड्राइवर का कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ था, वो अचानक से गिर गया था तो उसको पापा उठा के लेके गए थे, हॉस्पिटल पहुँचाए, उसका ट्रीटमेंट कराए, सब कुछ कराए, तो उस हिसाब से उनके लोगों तरफ से और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोग बहुत मानते हैं, तो ऐसा एक तो मतलब होता है कि फील रहता है कि आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं बोल के वो मानते हैं और इसीलिए यहाँ पे आते हैं। ये तो फेमस जगह है, बजामुंडा जगह फेमस है, गौशाला और बजामुंडा के बीच में ही है, किसी को पता नहीं, गूगल पर मारेगा बिहार ढाबा आ जाएगा, वो खोज लेते हैं रात बिरात, जो जिसको जरूरत पड़ता है, भूख लगता है तो बोलता है कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा, वो दारू नहीं मिलेगा लेकिन खाना तो मिल जाता है।